नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर होम टैब खुला हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा खास है जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हों और उन ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हों जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा हो। ओ लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास है, या कोई व्यक्ति एमएस वर्ड का नॉलेज लेना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ही खास है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे जैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं ट्रिपल सी में। जैसे बात करें, सबसे ऊपर यहाँ पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको बोलते हैं टाइटल नेम, और ये पूरी बार बोली जाती है टाइटल बार। क्वेश्चन आता है कि टाइटल बार किसी भी एप्लीकेशन में टाइटल बार कहाँ पर दिखाई पड़ती है, तो यह सबसे ऊपर की ओर दिखाई पड़ती है। फिर बात करें तो इनके जस्ट लेफ्ट साइड में, और ये बोलते हैं ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के राइट साइड में ये जो बार बोली जाती है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर वो ऑप्शन नज़र आते हैं जिन्हें हम तुरंत यूज करते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं तुरंत से। ठीक, उसके बाद ही बोलते हैं इसको मेनू बार, इसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे मेनू टैब हैं जो इसलिए इसको बोलते हैं मेनू बार। बाकी ये सारा स्टैंडर्ड टूल बार रहता है जिसमें सारे ऑप्शन शामिल रहते हैं, और इनको ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि इस क्लिपबोर्ड का, क्लिपबोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड में इतने सारे ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, अभी इन पर सब पर डिस्कस करने वाले हैं हम। फिर उसके बाद जैसे फॉन्ट का ग्रुप है, ऐसे पैराग्राफ है, स्टाइल्स है और एडिटिंग है। फिर बात करते हैं ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं रूलर। रूलर हमारे पेज की मार्जिन को सेट करता है इस तरीके से। जैसे कि अगर हम यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखिए कि ये यहाँ पर रूलर है, तो इसी के जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट कर रहा है, अदरवाइज़ ये कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट करता है। और आफ्टर दैट सबसे नीचे जब आते हैं तो देखते हैं कि स्टेटस बार है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पर ये वाला जो बोलते हैं ये एरिया टास्क बार कहलाता है, ये नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। फिर सबसे पहले मन जाते हैं इस वाले ग्रुप में और एक एक ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि अगर हमें पैराग्राफ रेंडमली टाइप करना हो तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, रैंड इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, और जब इसको एंटर करेंगे तो इस तरीके से हमारा पेज पर काफ़ी कुछ चीज़ें लिख के आ जाती हैं। ठीक, आइए देखते हैं होम टैब में। सबसे पहले हम कट कॉपी पेस्ट देखें। कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, जैसे कि इसको हमने सेलेक्ट किया, और जब हम कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं तभी हमारा ये ऑप्शन ऑन होता है, कट किया। कट में क्या होता है कि यहाँ से ये वर्ड मूव हो जाता है और जहाँ भी हम पेस्ट कराना चाहते हैं वहाँ पर जा करके, या तो कंट्रोल वी पे कर दें तब भी आ जाएगा, या फिर पेस्ट पे क्लिक कर दें तब भी आ जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, और पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी। अब देखते हैं कि कॉपी क्या है, तो इस तरीके से दा को हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कराते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर भी दा है और यहाँ पर भी आ चुका है। तो कट और कॉपी में मेन अंतर यह है कि कट जो होता है वो वर्ड को मूव करा देता है, और कॉपी में जो है उसी की नकल दूसरी जगह हमको पेस्ट करा देता है। तीसरा यहाँ पर आता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है कि किसी भी वर्ड की फॉर्मेटिंग की कॉपी करी जाती है। जैसे यहाँ पर यह है, इसको हम माने बोल्ड और इटैलिक दो चीज़ों में बना दिया। अब हम चाहते हैं कि इसी की फॉर्मेटिंग हम किसी अन्य पर भी अप्लाई कर पाएँ, जैसे कि यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कराना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी फॉर्मेटिंग हमें अप्लाई करानी है उसको सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं और वहाँ पर जाकर के ड्रैग कर देते हैं जहाँ पर हमें अप्लाई कराना है। ये देखिए इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक, ये हो गया फॉर्मेट प्रिंटर। अब बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले जो लिखा हुआ है लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट की कैलिबरी बॉडी लगी हुई है और इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, इनके थ्रू हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये बोल्ड होता है, ये यहाँ पर ऑन है। अगर हम कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं उसको बोल्ड कराते हैं,
इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। देखिए जिस जब किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर कर्सर रोकते हैं, तो वहाँ पर लिख के भी आ जाता है उसका शॉर्टकट और उसके बारे में। अगर हम बोल्ड दबाते हैं तो ये अक्षर थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं बोल्ड। फिर उसके बाद में इटैलिक होता है, इटैलिक से तिरछा हो जाता है, और यू से अंडरलाइन, और इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। देखिए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा स्ट्राइक थ्रो है, या स्ट्राइक थ्रो के लिए हम या मतलब इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा एक वर्ड लिखा होगा जिसको कटा हुआ दिखेगा क्वेश्चन, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा एग्जांपल स्ट्राइक थ्रो का है। तो हमको अगर पता करना है, अगर स्ट्राइक थ्रो हम जैसे इस वाले वर्ड को हमने सेलेक्ट किया और इस पर हम स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये कटा हुआ इतना दिख रहा है, मतलब हम जान सकते हैं कि ये स्ट्राइक थ्रो का है। फिर आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो नॉर्मली से नीचे लगते हैं, जैसे कि अगर लिखा हो हमें लिखना है H2O, सॉरी H2O। देखिए अब यहाँ पर H2O लिखा है, तो जो 2 है वो डाउन में नहीं गया है, और H2O कैसे होता है कि 2 जो होता है वो नीचे डाउन में होता है रेगुलर कैरेक्टर से। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि किस ऑप्शन किसमें रेगुलर कैरेक्टर से कुछ कैरेक्टर नीचे होते हैं, रेगुलर मतलब जो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली, उससे कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो नीचे किस में आते हैं, तो ये होता है सबस्क्रिप्ट में, जिसको किससे अप्लाई करते हैं, इस वाले से। देखिए अब क्या है, यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट ऑन कर दिया, और उसके बाद जो भी लिखेंगे वो नीचे लिखेगा, और फिर इसको हम हटा देंगे और ओ लिख देंगे। अब देखिए H2O जो है ये लिख चुका है इस तरीके से। ऐसे अगर कोई वर्ड हमें है और उस पर हमें पावर अप्लाई करनी है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 और सुपर स्क्रिप्ट 5। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेगुलर कैरेक्टर से कुछ कैरेक्टर अगर ऊपर लिखने हैं, रेगुलर कैरेक्टर मतलब 2, इससे अगर ऊपर लिखना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक। फिर उसके बाद में ये इस वर्ड से जो होता है हमारा केस चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने के बहुत सारे केसेस पूछ सकता है। ये सेंटेंस केस में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ड का लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। सेंटेंस केस में जो क्या होता है, जो जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो पहला लेटर वर्ड होता है, उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। तो इस पर सेंटेंस केस जो अप्लाई करते हैं, तो सेंटेंस केस में क्या होता है, नॉर्मली सेंटेंस केस ही लिखता है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और लोअर केस में करते हैं। देखिए सारे लोअर केस जो पहले से ही लिखा था, अगर इसको हमने देखना है तो हम क्या करते हैं, कोई बड़ा कर लेते हैं पहले से, ठीक, इसको जैसे रखते हैं। यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन किया और देखिए अब कुछ भी लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको लोअर केस चेंज करते हैं, यहाँ से जाते हैं लोअर केस, ठीक, तो ये छोटे अक्षरों में हो गया है। अब किसी को अगर हम बड़ा करना चाहें तो अपर केस में कर देते हैं, तो फिर से बड़ा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए एक ये वर्ड है कैपिटल ईच वर्ड, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पहले कोई हम लाइन सेलेक्ट करते हैं, आते हैं कैपिटल ईच वर्ड। अब देखिए कि प्रत्येक जो वर्ड है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो चुका है, तो इसका अर्थ ही होता है। फिर हम बात करते हैं टॉगल केस की। टॉगल केस क्या होता है, देखिए आप खुद देख लीजिए सामने। टॉगल केस यहाँ से गए, हमने अप्लाई किया टॉगल केस। अब देखिए कि क्या होता है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल लग गया है। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला वर्ड छोटा रहता है, पहला लेटर छोटा रहता है, बाकी के सारे लेटर जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। पर कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, ये इस तरीके से इधर वाला जो है पोर्शन सही दिखा रहा है। देखिए ऑन में क्या हुआ है, जो पहला लेटर है वो छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। इसी तरीके से इसमें भी, इसमें केवल इस पर अप्लाई हो रहा है, कुछ शायद एप्लीकेशन के रड हो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि टॉगल केस क्या है, तो टॉगल केस को हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए टॉगल किस तरीके से लिखा हुआ है, टी जो है छोटा लिखा है, बाकी सारे बड़े लिखे हैं, यहाँ पर सी छोटा लिखा है और ये बड़ा लिखा है, तो इसी तरीके से लिखा हुआ पूछ सकता है क्वेश्चन। तो
तो आप उसमें ये आंसर कर सकते हैं। फिर बात करें हम, यहाँ से सब सुपर स्क्रिप्ट हटा दीजिए, फिर इसमें ये होता है कि डायरेक्ट हम ग्रो फॉन्ट कर सकते हैं। इसमें शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट करा है और इसको हम बड़ा करना चाहें तो इस तरीके से इसका साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक। और यहाँ से अभी इसको समझते हैं, अभी फॉर्मेटिंग वगैरह जो लगानी है उसको हटाने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग हमने लगा रखी है, अगर हमें यह सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम इसको यूज़ करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग को, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जाती है। और नॉर्मल केस में जब हम शुरुआत में टाइप कर रहे थे जैसा लिख के आ रहा था उसी तरीके से लिख के आएगा, ठीक। यहाँ पर यह होता है हाईलाइट कलर, जैसे कि नॉर्मली हम अगर बुक में कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हाईलाइटर होता है हमारे पास और उससे हम हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाईलाइट इस तरीके से करते हैं, पहले सेलेक्ट किया और हाईलाइटर पर गए क्लिक कर दिया। देखिए हाईलाइटर में यहाँ पर ब्लू कलर लगा हुआ था, हम येलो लगाते हैं, देखते हैं और बढ़िया से हाईलाइट होगा। हाँ देखिए ये क्या होता है, पहले से जो सेलेक्ट सॉरी यहाँ से हम हाईलाइटर लेकर के जब हाईलाइट करते हैं तो वो चीज़ हाईलाइट करता है। इस तरीके से येलो लिया और अगर हम येलो किसी पे क्लिक करते हैं तो येलो कर देगा, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है जिसका बोलते हैं फॉन्ट कलर। जैसे कि कोई हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी हाईलाइटर ऑन है और ये इस तरीके से कर रहा है। जब हम फॉन्ट का कलर चेंज कराना चाहते हो तो हम फॉन्ट कलर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर जाएंगे सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट कलर पे लगा देंगे। तो अब देखिए कि जो ब्लैक कलर के दिख रहे थे फॉन्ट, अब वो रेड कलर के दिख रहे हैं और यहाँ पर ये फॉन्ट ग्रुप समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इस चीज़ की, यहाँ पर देखिए पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले आता है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होती हैं, देखिए इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पर और हम कुछ टाइप करते हैं, यहाँ से बुलेट ऑन कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, देखिए एंटर करते हैं तो नेक्स्ट वाला जो कुछ भी टाइप करने को होता है तो हम बुलेट आती हैं उनके, मतलब हमको बुलेट वाइज अगर कोई लिस्ट बनानी है तो इसका यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई नंबर वाइज बनानी है तो जस्ट नंबर पर क्लिक करेंगे और जब भी हम एंटर मार करके दूसरा क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा आता है इसको बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट की दूसरी लिस्ट बनाना और दूसरी की तीसरी लिस्ट बनाना, इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इससे भी जा करके कर सकते हैं या तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं। इस तरीके से इसको लेते हैं और क्लिक करते हैं, ठीक। अब अगर हम दूसरी लेना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक। यहाँ से एक तो ये हो गया तरीका, दूसरा होता है डिफाइन मल्टी लेवल लिस्ट में, इसको मिटाते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे जाते हैं, लैपटॉप स्लो चल रहा है, यहाँ से हो गया। अब देखिए लेवल वन पे जो लगा हुआ है हमारा वन लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक। हम इसको चाहें तो कुछ चेंज भी करा सकते हैं, वन टू थ्री लगा हुआ है। अब हम लेवल टू पे क्या करते हैं, रोमन अंक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेवल थ्री पर यहाँ से जा करके इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दें। तीन लेवल हमने बनाए हैं, यहाँ पर लेवल वन चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे और चेंज लेवल पे कर देंगे, ठीक। सेकंड लेवल पे आ जाएंगे और यहाँ से जब एंटर करते हैं देखिए इस तरीके से हम अपना लेवल चेंज करा सकते हैं, तरीके से लेवल चेंज किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये होता है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है,
देखिए डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट इस तरीके से, जैसे यहाँ से ये एरिया आप देख पा रहे हैं जो कि छुटा हुआ है, इस एरिया को हम घटाने बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी देखिए आप, इसका अगर हम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, तो यहाँ पर देखिए कुछ एरिया बढ़ रहा है इस तरीके से, और भी यूज़ करें तो और बढ़ जाता है, लेकिन अगर डिक्रीज इंडेंट यूज़ करते हैं तो यही एरिया घट जाता है। ठीक, तो इसका यूज़ ये है। और फिर ये ए से जेड की तरफ जिसको बोलते हैं सॉर्ट, सॉर्ट टर्म क्या होता है, अगर यहाँ पर हम इसे कुछ लिखते हैं इस तरीके से, ठीक, अब इसको हम यहाँ पर देखिए सम में एस एस आ गया है स्टार्टिंग में, इस तरीके से लेते हैं। अब देखिए शुरुआत के वर्ड जो है सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, हमने सेलेक्ट किया, सॉर्ट कर दिया। अब ये जो सॉर्ट करेगा, इसमें जो सबसे पहले जो लेटर आता है नॉर्मली, उनसे इसको सॉर्ट करता है। एक याद एफ आता है, फिर एच आता है, फिर एस आता है, फिर वाई आता है, इस तरीके से सॉर्टिंग कर देता है। ये होता है पैराग्राफ मार्क, जो कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एंटर दबाते हैं वहाँ पर पैराग्राफ मार्क यूज होता है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं। इसको ऑन, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको पैराग्राफ मार्क को ऑन कर देते हैं और एंटर दबाते हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर एंटर दबाएंगे हम, वहाँ वहाँ पर पैराग्राफ मार्क शो होगा, या हमने जहाँ पर पहले दबा रखा होगा वहाँ पर शो होगा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि पैराग्राफ मार्क कहाँ पर शो होता है, जब एंटर दबा देते हैं तभी शो होता है, या बोल सकते हो पैराग्राफ एंड पर। तो क्वेश्चन पूछता है पैराग्राफ एंड पर पैराग्राफ मार्क शो होता है, तो हाँ शो होता है, ट्रू होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये पैराग्राफ मार्क्स हटा देते हैं। फिर नीचे यहाँ से स्टार्ट होता है अलाइन टेक्स्ट, मतलब कि अगर ये यहाँ पर देखिए इसका नाम आता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल, मतलब इधर का जो टेक्स्ट है वो देखिए लेफ्ट में कायदे से अलाइन हुआ है, अभी डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट अलाइन है, लेकिन इधर में देखिए आगे पीछे थोड़ा सा टेक्स्ट है। ठीक, तो अगर ये ऑन रहता है तो हमारा लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट अलाइन रहता है, बाकी उधर की तरफ हो या ना हो अलग की बात है। फिर लेकिन ये यहाँ पर जो होता है सेंटर, सेंटर पर जब हम क्लिक करते हैं तो बीच में जो है टेक्स्ट रहता है, और इधर उधर लेफ्ट और राइट में ओवरलैप रहेगा, मतलब तिरछा कोई सटीक नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि राइट अलाइन जो होता है, राइट अलाइन क्या होता है, राइट में देखिए आप एकदम सटीक है, बाकी इधर तरफ नहीं है। ठीक, और ये जो पूछता है जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पैराग्राफ को अगर दोनों तरफ से हमको सही अलाइन कराना है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सही अलाइन हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई, इसका कंट्रोल शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे, एक क्वेश्चन भी पूछता है ट्रिपल सी में। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ ही कायदे से अलाइन हो चुका है, यहाँ यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो आपका आता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग क्या है, बेसिकली जो हमारी ये लाइंस हैं इनके बीच का स्पेस, यही चीज़। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट में 1.15 लगा हुआ है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लाइन स्पेसिंग डिफॉल्ट रूप से कितनी लगी रहती है, 1.15। हम इसको कम करते हैं थोड़ा सा, अब कम करते हैं तो देखिए थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और लाइन स्पेसिंग पे गए और हमने 1 किया हुआ है, सॉरी इसको बढ़ाते हैं 1.5 करते हैं, देखिए यहाँ पर बढ़ चुकी है लाइनिंग की स्पेस जो है, बढ़ चुकी है। अगर हम कम करना चाहें तो फिर से लाइन स्पेसिंग पे जाते हैं, 1 पे कर देते हैं, अब देखिए यहाँ पर कम हो चुकी है। ठीक, हाँ तो ये हो गया लाइन स्पेसिंग। फिल कलर क्या होता है, सेटिंग होती है, जैसे बिहाइंड कलर के हमने कोई लाइन सेलेक्ट कर रखी हो इस तरीके से, ठीक, इस पे हमें कोई बिहाइंड में बैकग्राउंड में कलर लगाना हो तो लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक, ये होती बॉर्डर की, बॉर्डर यूज़ करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमने कोई लाइन सेलेक्ट करी है, उसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना हो या किसी एक तरफ लगाना हो, बॉटम बॉर्डर मतलब केवल नीचे की तरफ लगेगा, टॉप केवल टॉप, लेफ्ट केवल लेफ्ट में लगेगा, राइट में लगेगा, नो बॉर्डर करेंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, ऑल बॉर्डर करते हैं तो चारों तरफ लग जाता है, देखिए इसके चारों तरफ एक बॉर्डर सेट हो चुका है। ठीक, तो यहाँ पर जाकर के हम चाहें तो इसके और भी ऑप्शंस हैं, वो सारे यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्टाइल स्टार्ट होती है, अब देखिए स्टाइल में क्या रहता है, इस तरीके से हम थोड़ा कंट्रोल प्लस जेड से सारा कुछ हम हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन भी पूछता है कि अंडू करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से सारा जो मटेरियल हमने लगाया था वन बाई करके वो हट रहा है। ठीक, ये चीज़ को अब समझाते हैं, यहाँ से स्टाइल्स बनी बनाई होती हैं,
जिनको हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग, इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं हेडिंग वन, ठीक, तो ये एक हेडिंग टाइप का बन जाता है, जो पहले से इसकी स्टाइल थी वही इस पर अप्लाई हो जाती है। ऐसा होता है कि जैसे पैराग्राफ हमने बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना रखा है और हम बार बार यहाँ चाहें तो हम यहाँ से जा करके पूरी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये बना बनाया फॉर्मेट होता है और डायरेक्ट तुरंत अप्लाई हो जाता है। देखिए अब जो चीज़ सेलेक्ट होती है वहाँ से हम जा करके देख भी सकते हैं कैसा कैसा वो चीज़ चेंज हो रही है, इस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक। तो किसी भी कंटेंट पर हम डायरेक्ट स्टाइल अप्लाई कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और यहाँ से हम जा करके देखिए और भी हैं, और भी सेलेक्ट करा सकते हो, और यहाँ से चेंज स्टाइल से जा करके स्टाइल सेट, यहाँ पर बहुत सारी और भी हैं, ये भी चूज कर सकते हो, ठीक। अब हम क्या, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, हमने क्या किया कि इस वाले वर्ड को सेलेक्ट किया और इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा किया और यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन कर दिया और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेड कर दिया। और हम क्या करते हैं यहाँ पर इस वाले बटन को प्रेस करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर आता है सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये नाम पूछता है और इस नाम से सेव करा सकते हैं इसको, तो हम उसको कहीं भी बाद में यूज कर सकते हैं। स्टाइल वन के नाम से हम इसको सेव कर रहे हैं, अब देखिए स्टाइल वन के नाम से सेव हो चुका है। अब हमें किसी अदर डॉक्यूमेंट पर यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करानी हो तो यहाँ पर जाएंगे और देखते हैं स्टाइल वन ये आ चुकी है, तो डायरेक्ट इस पर हम अप्लाई करा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब लास्ट जो बचता है ग्रुप एडिटिंग, एडिटिंग में देखते हैं सबसे पहले आता है फाइंड। फाइंड पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आता है क्या आप फाइंड कराना चाहते हो। जैसे कि अगर हमें कोई वर्ड फाइंड कराना हो यू नाम से, वाई ओ यू, ठीक। देखिए कैप्स लॉक ऑन है, शायद कैपिटल लेटर में वर्ड नहीं लिखे गए, ठीक। फाइंड नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये ढूंढता है, देखिए यू को जहाँ जहाँ होता है वह वहाँ हाईलाइट कर देता है, एक यू ये यहाँ पर मिला हुआ है और नीचे बढ़ा करके देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हाईलाइट किया है, अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये अगला फाइंड करेगा, इस तरीके से फाइंड करता चला जाएगा, ठीक। केवल फाइंड कराने के लिए होता है वर्ड। फिर दूसरा ऑप्शन आता है रिप्लेस, तो रिप्लेस क्या होता है, यहाँ पर जैसे अगर हम यू को किसी अदर से रिप्लेस कराना चाहें, यू को जैसे चाहते हैं यू की जगह पर मी रिप्लेस कराएं। और एक इंसिडेंट हमें याद आ रहा है, जैसे कि आप सभी लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, तो उसमें वो क्या करता है चमत्कार की जगह बलात्कार का वर्ड यूज कर देता है, सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से वही इसी का ही ऑप्शन का यूज़ करता है वो। और यहाँ पर अगर हम यू की जगह पे सब जगह मी हो जाए तो रिप्लेस आल, यहाँ पर यू लिखेंगे फाइंड व्हाट, जिससे हमें फाइंड कराना है, और जिससे हमें रिप्लेस कराना है उसको यहाँ पर लिख देते हैं और लिख कर देते हैं और ओके करते हैं रिप्लेस आल पे। तो टोटल यहाँ पर आठ रिप्लेसमेंट जो है वो कह रहा है कि आठ जगह यू मिला है जहाँ पर मी हो चुका है। अब आप कहीं पर भी और यहाँ पर इसको क्लोज करा देते हैं, अब देखिए कि जहाँ जहाँ यू था वहाँ वहाँ मी हो चुका है, ओके। सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, सेलेक्ट जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे सेलेक्ट ऑल करते हैं तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए भी होता है, और चाहे तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको दूसरा ऑप्शन इसमें होता है किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है जैसे इंसर्ट पर जब आते हैं तो यहाँ पर कोई शेप है मान लिया, तो इसको हमने ड्रॉ करा सकते हैं, और इसको सेलेक्ट कराने के लिए इसी होम टैब में चाहे तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहले से ही सेलेक्ट है, जैसे अगर ना सेलेक्ट होता तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट पे जाते और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते और यहाँ पे क्लिक करते ये सेलेक्ट हो जाता। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन बचता है, एक लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पर, जैसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस फॉर्मेटिंग के तो सारे सब्जेक्ट हैं, तो क्या करते हैं इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे गए सेलेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब देखिए कि इस फॉर्मेटिंग के जहाँ जहाँ टेक्स्ट होगा सबको सेलेक्ट कर लेगा, और इन पर हम कोई भी चेंजेस अप्लाई करा भी सकते हैं। सही, सबको इटैलिक से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, अंडरलाइन हटाना चाहें हटा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर एक ही फॉर्मेटिंग के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कराने के लिए और उन पर कोई चेंज लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर होम टैब जो होता है वो फिनिश होता है, और आगे के जो टैब्स हैं उनको हम आगे की वीडियो में बात करना चाहेंगे। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ अगर विशेष नहीं समझ में आया या फिर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और बताएं हमको कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।